हेलो दोस्तों, धीरज फोटो एडिटिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज जानते हैं कि होली का फोटो एडिट कैसे करें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि एडिटिंग से रिलेटेड काफ़ी बढ़िया बढ़िया मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप देख सकें सबसे पहले। तो आइए सबसे पहले चलते हैं पिक्सआर्ट ऐप में, आपको मैं बताऊँगा एडिट कैसे करना है। मैंने पहले से बैकग्राउंड इरेज कर लिया था। आप पिक्सआर्ट ऐप में या ऑटो स्केच बुक में आप बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैं फिर एक बार आपसे बता दूं कि HD क्वालिटी में बैकग्राउंड कोई प्रोवाइड नहीं कराता, सिर्फ मेरे चैनल पर ही प्रोवाइड होता है। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और बैकग्राउंड लाने के बाद मैं बैकग्राउंड PNG जिसका भी मैं यूज करूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे ड्रॉ वाले टूल पे। जाने के बाद आपको 3 डॉट यहाँ पे क्लिक करके आपको फ़ोटो को फोटो लेयर पर सेलेक्ट करके आपको अपना जो फ़ोटो है वो ले लें। तो मैं अपना एडिट कर लिया था पहले से, और यहाँ से ला लेने के बाद आपको थोड़ा इसका साइज ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करके आपको छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद आपको डन कर देना है। डन करने के बाद फिर से आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके आपको ये वाला PNG ऐड कर लेना है। ये वाला PNG अपने फ़ोटो के ऊपर ही रखना है। उसके बाद से मैं एक और PNG ऐड कर ले रहा हूँ। ये वाला बैकग्राउंड को आपको फ़ोटो के नीचे ला देना है। लाने के बाद आपको इस पर क्लिक करके आपको ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके आपको इसको भी थोड़ा बड़ा कर देना है। उसके बाद करेंगे डन। डन करने के बाद से मैं एक और 2 PNG ऐड कर ले रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको इसका 3 डुप्लिकेट लेयर आपको इसका बना लेना होगा। तो मैं डुप्लिकेट लेयर बना ले रहा हूँ। आपको अपने फेस पे जूम करके इसको यहाँ से बैक लगेगा तो कर देना है। इस पर क्लिक करके आपको ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके अपने फेस पे ये ऐड करना है। ये फेस पे ऐड करके आपको इरेज करना है। ओपेसिटी कम कर दीजिए, आप इसको बढ़ा लीजिए। आप 2-3 बार ऐड करके आप बढ़िया से आप कर लीजिएगा। काफ़ी लंबा वीडियो जाएगा, इसलिए मैं बढ़िया से आपको नहीं बता रहा हूँ। आपको कुछ करना नहीं है, बस अपने फेस पे ऐड करना है और दूसरा कुछ काम नहीं है। तो आप बढ़िया से आप फेस पे ऐड कर लीजिएगा अपने। इसके बाद से इसका ब्लेंडिंग मोड रखेंगे हम लोग, ओवरले या फिर रख सकते हैं आप मल्टीप्लाई नहीं, आपको ओवरले ही रखना है। ओवरले रखने के बाद आपको सिंपली एक और PNG है जो हैप्पी होली का है, तो वो भी मैं ऐड कर ले रहा हूँ। मैंने हैप्पी होली का जो स्टिकर है वो ऐड कर लिया। इससे आपको इस पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करके आपको इसको अपने हिसाब से आपको रखना है। आप यहाँ से अगर बढ़िया से एडजस्ट नहीं होता है तो आप यहाँ से डन करके इस पर क्लिक करके आप इसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट करके फिर से आपको फोटो जब एडिट हो जाए तो यहाँ से डन करके, और उसके बाद से आपको यहाँ पे ऐड फोटो पे क्लिक करके, और उसके बाद से आपको वो ऐड कर लेना होगा जो PNG में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। इस वाले में टूल में आप आके ऐड करेंगे तो बढ़िया से आपका ऐड हो जाएगा, आप जैसा चाहते हैं वैसा ऐड हो जाएगा। उसके बाद से आपको इतना रख के इसको इरेजर पर क्लिक करके आपको यहाँ से थोड़ा अपने बाल से इसको हटा लेना होगा। बस यही करना पड़ेगा इसमें, उसके बाद सब ठीक है।
आप ऐसे ही एडिट कर लीजिएगा। उसके बाद से करेंगे हम लोग डन। डन करने के बाद से अब चलेंगे हम लोग लाइट रूम ऐप में। तो चलिए चलते हैं लाइट रूम ऐप में। लाइट रूम ऐप में आने के बाद आपको मैंने ये वाला जो पीएनजी जो जो यहाँ पे जो वाइट वाइट दिख रहा है उसको मैंने नहीं बताया है, आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका भी। आप वहाँ से आप जाके पिक्सआर्ट ऐप में आप लगा सकते हैं, उसके बाद से कोई इशू नहीं है, आप लगा सकते हैं उसी तरह। उसके बाद चलते हैं सबसे पहले लाइट वाले ऑप्शन पे। लाइट वाले ऑप्शन जाने के बाद आपको कंट्रास्ट 10% के आसपास रखना होगा, हाईलाइट को आपको 60 तक कम कर देना होगा। उसके बाद शैडो को बढ़ाएंगे, शैडो को बढ़ा के आपको 50 के आसपास रखना होगा, वाइट को आपको कम करके और ब्लैक को आपको कम कर देना है। अपने फोटो के हिसाब से आप ब्लैक घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद मैं प्लस में रख रहा हूँ तो आप भी प्लस में रख सकते हैं। उसके बाद चलेंगे कलर वाले ऑप्शन पे। कलर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको वाइब्रेंस थोड़ा सा बढ़ा देना होगा, 20 के आसपास आपको रखना होगा। उसके बाद चलेंगे मिक्स वाले टूल पे। मिक्स वाले टूल पे जाने के बाद आपको सबसे पहले रेड का सिचुएशन बढ़ा के आपको आप अपने फोटो के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। मैं 20 के आसपास रखूँगा और यहाँ से यू थोड़ा सा माइनस की तरफ। उसके बाद से जो फेस का कलर है उसको बढ़ाएंगे ल्यूमिनेंस। ल्यूमिनेंस बढ़ा के आपको सिचुएशन भी बढ़ा दूंगा मैं। हमको ऐसा बैकग्राउंड ऐसा फोटो होना चाहिए, हमको थोड़ा अपना रियलिटी टोन चाहिए, तो ल्यूमिनेंस आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद चलेंगे येलो वाले में। येलो का भी आप सिचुएशन बढ़ा सकते हैं 40 या 50 के बीच में। उसके बाद से ग्रीन, इसका भी आप बढ़ा दीजिएगा 35-40 के बीच में, इसका भी आप बढ़ा सकते हैं। और ब्लू का भी आप बढ़ा दीजिएगा 40 या 50 के बीच में। और इसका अगर आप फोटो में नहीं है तो आप थोड़ा सा इसको इंक्रीज करके और इसको डिक्रीज कर दीजिएगा, इसको और नॉर्मल आप रहने दीजिएगा। नॉर्मल रख के उसको ऐसा करेंगे डन। डन करने के बाद आपको जाना होगा इफेक्ट वाले ऑप्शन पे। इफेक्ट में जाने के बाद आपको क्लियरिटी 15 या 20 आप दे सकते हैं अपने फ़ोटो के हिसाब से। उसके बाद चलेंगे शार्पनिंग में। शार्पनिंग आप 50 प्लस रख सकते हैं, मैं रख रहा हूँ 63। उसके बाद चलेंगे नॉइस रिडक्शन पे। नॉइस रिडक्शन 17% और कलर नॉइस रिडक्शन 25%। स्मूथनेस फुल कर देंगे और डिटेल 70% कर देंगे और फिर से हमारा फोटो एडिट हो गया। तो चलिए धन्यवाद, इतना ही वीडियो था। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। चलिए धन्यवाद।